हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोकिया, क्या कारण है? वीडियो देखा ना आपने, कैसे एक लड़की को मंदिर में प्रवेश करने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने चेहरे पर झंडा बनाया हुआ था और उससे ये कह दिया गया कि ये पंजाब है, भारत नहीं। ऐसा बोलते हुए लड़की को टेंपल में एंट्री देने से साफ मना कर दिया गया। अब एक बार फिर से सुनिए और देखिए पूरी वीडियो, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोकिया, क्या कारण है? दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर सिख व्यक्ति के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि इस व्यक्ति ने उसे रोका। इस पर हरियाणवी बोल रहा व्यक्ति सिख व्यक्ति से पूछता है कि गुड़िया को जाने से क्यों रोका। इस पर सिख व्यक्ति बोलता है इसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा है इसीलिए रोका। इस पर हरियाणा के व्यक्ति सिख व्यक्ति से पूछ लेता है कि क्या ये इंडिया नहीं। इस पर तथाकथित SGPC का कर्मचारी सिख व्यक्ति कहता है कि ये इंडिया नहीं है। इस पर हरियाणवी व्यक्ति कहता है कि फिर ये क्या है। इस पर सिख व्यक्ति कहता है कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। इस पर लड़की को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। इतना ही नहीं, लड़की सरदार से बात करते करते उसका वीडियो भी बना रही थी। इस पर सिख व्यक्ति गुस्से में आ जाता है और कहता है सी वीडियो बना रही हो बना लो। इसके बाद लड़की जब सुनती है कि ये इंडिया नहीं है पंजाब है तो वो गुस्से में कह देती है कि ये क्या बकवास है। इस पर सिख व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बकवास किसे कहा। देखते ही देखते सिख व्यक्ति हाथापाई पर आ जाता है और लड़की के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर झपट्टा मार देता है। रिकॉर्डिंग होने पर वो लड़की के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। तो वही इस वीडियो के वायरल होते ही राधा रमण दास ने बकायदा एक ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर कर दिया और लिख दिया ये चौंकाने वाला है, महिला को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया क्योंकि उनके चेहरे पर भारतीय झंडे का टैटू था। इस खालिस्तानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। वहीं फिल्म एक्टर देवोलीना भट्टाचार्य ने कहा एक सेकंड के लिए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये स्वर्ण मंदिर के अंदर हो रहा, ये देखकर दुख होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन हाँ हमें इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे इस वायरल वीडियो को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत।